नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल के एक नए और फ्रेश एपिसोड वीडियो में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हमने अपने कई वीडियो में खजाना प्राप्ति करने का अनेक तरीके बताए हैं कि कहाँ पे गड़ा हुआ धन होता है, गड़ा हुआ धन को किस प्रकार से जाना जाए कि फलान हिस्सा में गड़ा हुआ धन दबा हुआ है। क्योंकि पुराने समय में जो है सिक्के, इस अभी जो हम नोट चलते हैं, हमारे भी जो जनरेशन में भी नोट चल रहे हैं, सिक्के चल रहे हैं, इस प्रकार के उस समय सिक्के नहीं चलते थे, नोट नहीं चलते थे। प्राचीन समय में जो है कहा जाए बैंक वगैरह नहीं था, तो उस समय जो है लोग सोने के सिक्के चलते थे। सोने के सिक्के को हमेशा जो है लोग छुपा करके रखते थे। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसी प्रकार के जो छुपे हुए खजाने से किस प्रकार से देखा जाए और ये कहाँ पे जो है छुपा होता है। 5 से 6 तरीके बताऊंगा, जो तरीके अच्छा लगे वह तरीके को जरूर फॉलो करना, 100% आपको लाभ मिलेंगे। और मैं आप लोगों को वही जानकारी बताता हूँ जो जानकारी बहुत ही आसान हो और आपको साधारण सी थोड़ी सी मेहनत करके प्राप्त हो जाए। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा 4 ऐसे सटीक जानकारी जिससे आप बहुत आसानी से जमीन में दबा हुआ धन को देख सकते हैं। तो जानकारी बताने से पहले हर दिन की तरह गुजारिश करना चाहूंगा, वीडियो अभी तक जो है लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। पहले नंबर पे आते नाग फनी के जो पौधा होता है। जी हाँ मित्रों, जो नाग फनी का पौधा 10 फीट से ज्यादा ऊंचा हो और करीब 10 से 12 साल पुराने हो, जो सफेद कलर का जिसमें फूल लगते हो, अधिकतर जो नाग फनी होता है, जो कि लोकल नाग फनी होता है जिसमें खजाना नहीं छुपा होता है, उसका जो फूल होता है रेड कलर का होता है, हल्का सा नीला कलर का होता है। लेकिन जो नाग फनी होता है, जो सफ़ेद कलर का जिसमें फूल लगता हो, इसके नीचे में बहुत आसानी से जमीन में दबा हुआ धन होता है, 100% बहुत लोगों को प्राप्त भी हो चुका है। दूसरे नंबर पे आते हैं बरगद से। बरगद के जो जटा होते हैं जो कि जमीन को छू रहे हो, आपस में जो बरगद के जटे हो, जो पुराने बरगद हो, जो कि जो बरगद के जटे हो जमीन को छू रहे हो, इस प्रकार की बरगद के नीचे में भी जो है जमीन में दबा हुआ धन रहता है। और हो सके तो 2 साल पुराने बरगद हो, जहां उल्लू चमगादड़ ये सब आपस में एक साथ बैठते हो, जिसके ऊपर नीम का पौधा उगाए, जो बरगद ऐसा वृक्ष है जिसके ऊपर में नीम का पौधा उगाए, इस प्रकार की बरगद के नीचे में भी दबा हुआ धन मिलते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं धतूरे का पौधा। जो काला धतूरा होता है 5 से 6 वर्ष पुराने, जिसमें 3 लेयर का फूल आता हो, अधिकतर आपने देखा होगा जो धतूरे का फूल होता है 2 लेयर में आता है, लेकिन जो धतूरा काला हो जिसमें 3 लेयर का फूल आते हो, या फिर नीला कलर का भी धतूरे हो जिसमें 3 लेयर का फूल आते हो, इसके नीचे में भी जमीन में दबा हुआ धन होता है। जिसके पत्ते को रगड़ने से काफी दुर्गंध आते हो धतूरे, इस प्रकार के धतूरे के नीचे में भी जमीन में दबा हुआ धन मिलते हैं। एक तरीका और बताऊंगा जमीन में दबा हुआ धन को आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। जो कौवे का घोंसला होता है, इसे जला करके काजल बनाया जाता है और इसे नेत्रों पर लगाया जाता है, तो भूत प्रेत और जो जमीन में दबा हुआ जो दिव्य खजाना है, जो दिव्य शक्तियां हैं, इनकी दर्शन होने लगता है। तो आशा करता हूँ मित्रों, इस प्रकार के जो छोटे छोटे प्राचीन ज्ञान की जानकारी सिखाता हूँ, ये आपके जीवन में कल्याणकारी साबित जरूर होते होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।